उत्तर मध्य रेलवे का कानपुर शेड का WAP-7 लोकोमोटिव जो कि 1230 9 जो कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो कि राजेंद्र नगर से खुलकर नई दिल्ली को जाती है इस ट्रेन में लगा हुआ है। और यह एक तेजस राजधानी एक्सप्रेस है जो कि अपग्रेडेड राजधानी है जिसको बोलते हैं, जिसका डोर ऑटोमेटिक बंद होता है वो राजधानी है, जिसमें इस ट्रेन के फर्स्ट एसी का किराया है जो कि मैं पटना जंक्शन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए पटना जंक्शन से मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट एसी का किराया 4,115 रुपये, सेकेंड एसी का किराया 2,480 रुपये और थर्ड एसी का किराया है 1,810 रुपये। और किराए की बात करें तो राजेंद्र नगर टर्मिनल से इस ट्रेन के फर्स्ट एसी का किराया है 4,175 रुपये, सेकेंड एसी का किराया है 2,500 रुपये और थर्ड एसी का किराया है 1,835 रुपये। दोस्तों यह ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल से 7:10 पर खुलती है और उसके बाद पटना जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल होते हुए यह दिल्ली को चली जाती है। दोस्तों इसके बाद यह ट्रेन पटना जंक्शन में 7:25 पर आती है और 10 के ठहराव के बाद यह पटना जंक्शन से डिपार्ट कर जाती है। इसके बाद यह ट्रेन बिहार से सीधे यूपी में प्रवेश करती है जो कि यूपी का इसका पहला स्टॉपेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि यहाँ 10:10 पर आती है और 10 के ठहराव के बाद 10:20 पर यहाँ से डिपार्ट कर जाती है। इसके बाद यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन को आती है, यहाँ पे इस ट्रेन का 2 का ठहराव है क्योंकि यहाँ पे 12:10 पे इस ट्रेन का टाइमिंग है और 12:12 पे यहाँ से ट्रेन डिपार्ट कर जाती है। इसके बाद यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुँचती है जहाँ पे इस ट्रेन का टाइम है 2:15 पे और 5 के ठहराव के बाद 2:20 पे यहाँ से यह ट्रेन डिपार्ट कर जाती है। इसके बाद यह ट्रेन का लास्ट न्यू दिल्ली है जो कि यहाँ पे ट्रेन 7:40 पर पहुँचा देती है और यह कुल मिलाकर 1,001 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है यह ट्रेन और इसको समय लगते हैं 12:30 का इसको कुल समय लगते हैं और इसकी एवरेज स्पीड 80 की रहती है और कुल मिलाकर 4 हॉल्ट हैं 1,001 किलोमीटर की दूरी तय करने में और यह ट्रेन प्रतिदिन राजेंद्र नगर टर्मिनल से दिल्ली को जाती है। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल AM7 Blog को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।